पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार नए प्रयास कर रही है और लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी संसार में हैं जो आपदा की इस घड़ी में लोगों को मौत का डर दिखाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, ना ही भर्ती होने की सुविधा प्राप्त हो रही। ऐसे में कुछ झोला छापों ने आपदा की इस घड़ी में कमाई का अवसर आखिर ढूंढ निकाला। ताजा मामला मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विद्यानगर सिद्ध हॉस्पिटल के पीछे का सामने आया है, जहां एक आलिशान बिल्डिंग में कुछ झोला छापों ने बिल्डिंग को किराए पर लेकर अवैध कोविड हॉस्पिटल को संचालित कर रखा है। इस फर्जी कोविड अस्पताल को चार झोला छाप डॉक्टर यासीन, संगीता, सलमान और तारिक संचालित कर रहे हैं। इस कोविड सेंटर को गैरकानूनी तरीके से बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी ये बताती है कि 20,000 रुपए प्रति 24 घंटे पर इस जगह को किराए पर लिया गया है और यहाँ कोरोना संदिग्ध मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को सांस की दिक्कत थी और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनको ऑक्सीजन देकर इस फर्जी अस्पताल में भर्ती कर उनसे प्रतिदिन 20,000 से 40,000 रुपए लूटे जा रहे हैं। इस फर्जी अस्पताल में जब मीडिया पहुंची तो पाया कि यहाँ 10 बेड पड़े थे, जिन पर सभी पर मरीज लेटे हुए थे और ऑक्सीजन ले रहे थे। आपको बता दें कि इस कोविड अस्पताल में एक मेडिकल भी बना हुआ है, जहां मरीज को प्रतिदिन 7,000 से 8,000 की दवाई दी जाती है। फर्जी डॉक्टरों द्वारा भर्ती मरीजों की कोरोना जांच भी कराई गई, लेकिन किसी को जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। संबंध में जब एडी हेल्थ से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो टीम भेजकर जांच करवाते हैं। मौके पर कुछ गलत पाया गया तो अस्पताल संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे चल रहे इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को आखिर क्यों नहीं है, या फिर स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ही इस फर्जी कोविड अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मरीज। ये आपका मरीज है? हाँ। क्या नाम है इनका? जगरोशनी। क्या परेशानी है? परेशानी तो नौकर साहब बताए ना रहे कुछ अभी कहीं होगा। तो इनको ऑक्सीजन क्यों लगाई गई है? मतलब हम कह रहे हैं कोशिश करके दे रहे हैं, जो दिक्कत दिखाई देगी आप लोग कोशिश करेंगे। कब से भर्ती है यहाँ पर? 3 दिन हो गए ना। इनकी आपने जाँच वगैरह नहीं कराई कोरोना की? क्या समय जाँच करवाई? कोरोना जाँच कराई आपने? उसमें क्या आया, पॉजिटिव आई है? क्या आई है आपको नहीं बताया? क्यों? कौन डॉक्टर साहब है यहाँ पर? कौन डॉक्टर साहब है? आप अपना नाम बताइए। किसका? अपना नाम क्या है? तो क्या नाम क्या है मेरे भाई? किसका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव? गौरव। कौन डॉक्टर साहब, किसका हॉस्पिटल है? मैं तो स्टाफ में करता हूँ। डॉक्टर साहब सोन कौन डॉक्टर है इसका? संचालक एक ही मिनट। हाँ, आप डॉक्टर हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, स्टाफ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता है। क्या डिग्री है आपके पास? डिग्री ना, वैसे स्टाफ में देगा वाले। तो ये हॉस्पिटल का नाम क्या है इसका? जो भगवती के वो हैं, क्या कहते हैं, भगवती के बेड यहाँ पे डाले हैं, उधर कम हो गए थे डॉक्टर। ऐसा क्यों? उधर पर जगह नहीं है। नहीं, हाँ, तो हमने सुना है यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोविड सेंटर आप लोगों ने बना रखा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब आज देख रहे हैं। क्या डिग्री है आपके पास? डिग्री कुछ नहीं है आपके पास? अरे सर, मैं तो वैसे ही काम करती हूँ, वैसे ही मरीजों को देखती हूँ, वैसे ही बेड वगैरह बदलती हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।